उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है। इसको देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है और खास तौर से पुलिस बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चला रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर कैश भी बरामद किया जा रहा है। पूरे प्रपत्र जांच करने के बाद फिर वो कैश वापस दिया जाता है। तो ऐसे ही बात का एक फिर सामने आया है। पहले ललितपुर में आया था, अब मेहरौनी विधानसभा में थाना बानपुर में 20 लाख रुपए एक बक्से में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी में पाए गए हैं, जिसकी जांच की गई है। पूरे कागज देखने के बाद उसको 20 लाख रुपए जो उसके थे उसको वापस सुपर्द कर दिए गए हैं। लेकिन चेकिंग के दौरान ये चीज सामने आ रही है कि बड़े पैमाने पर लोग कैश लेकर व्यापार अभी भी कर रहे हैं। जो नियम है, कायदे हैं, कानून है, उनकी अनदेखी करते हुए, जिसके कारण बाद में जो व्यापार मंडल है वो विरोध करता है, अनशन करता है, प्रदर्शन करता है, लेकिन नियम कायदे कानून को फॉलो नहीं करता है। कैश लेन देन अभी भी चालू है। हमारे यूट्यूब चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।